हेलो जी, सभी को राम राम। तो यहाँ पे सुबह सुबह हो रही है भोलेनाथ जी की पूजा, भोले बाबा की पूजा, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे 4 बजे, क्योंकि 4:09 पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे राजस्थान जयपुर में आया था भूकंप, और इतना तेज़ भूकंप था कि मतलब सारे लोग बाहर घर से बाहर आ गए थे, और तेज़ी से इतना आया था कि 3 झटके आए तो लोग बाग काफ़ी डर गए थे, और हम भी इतना डर गए थे क्योंकि इतनी ही तेज़ी से आया था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सबकी डर बैठ गया था। तो भोले बाबा से यही प्रार्थना है, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, कि भगवान भोलेनाथ जी सबकी रक्षा करे, सबको सुरक्षित रखे, और ऐसे झटकों से मतलब डर ही लगता है, तो भगवान ही बचा सकते हैं कुदरत के केयर से। आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से भूकंप आया था। और है ना, पूरे मकान, पूरी गाड़ियाँ सब हिल गई थी, आप देखे होंगे कैमरे में, और ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, तो काफ़ी तेज़ी से था। और आप भी बताना कमेंट करके कहाँ कहाँ भूकंप आया था, ताकि पता चले कौन कौन सी जगह आया था भूकंप। और खाना की ना आंख में पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बिल्कुल लाल हो रही है और उसकी बार बार खुजली चल रही है, तो इसको मैं कह रही हूँ कि गुलाब जल डाल ले। लाल हो रही है ना, दिखा ना। हाँ, ऐसे ना बार बार आंख मसलने से भी खुजली जा रही। और वैसे तो न्यूज में हर जगह आ ही रही है, सबको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह बनाई हूँ आम का जूस, तो यहाँ पे सबके लिए आम का जूस बना है, तो दूध डाल के फिर बनाई हूँ। और बच्चों को ना जो केले का जूस पीला है पसंद है, मैंगो शेक, सॉरी बनाना शेक, जो काफ़ी अच्छा था। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है इसमें ना। इधर जो मैं पुदीना साफ करूँगी, फिर मैं पुदीना साफ करी थी, और उसके बाद में ना जो छोटा वाला भैया और भाभी थे आए हुए, तो उनको नाश्ता पानी करवा रहे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं, और हमारी छोटी सी जो भतीजी है वो भी है। उसके बाद में है जो मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ के बात करके, और यहाँ पे बना रही हूँ पराठे पनीर के, तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, थोड़ा सी लेट ही जाएंगे, 8:30 बजे, तो मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के फिर बना रही थी खाना, तो ये पनीर के पराठे हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन के तैयार हैं, तो सुबह नाश्ता भी जो करेंगी वो घर पे भी कर लेंगे। तो अचार है, पराठे हैं, और छोटे वाले की मैं टिफिन में रखी थी, तो ये स्कूल जा रहा है, तो ये इसको भी पराठे पसंद है, तो मैं इसको भी पराठे ही दे दी। और उसके बाद में ना जी, भैया यहाँ क्यों नहीं पे आए, भैया क्यों नहीं आए, ये क्या कलर कर करके लाया गया इसमें, अरे ये जाली का गेट बन के आया है, यहाँ पे लगेगा, और इस तरीके से है। साकल कुंदे कहाँ है इसके, आया आरती की तैयारी कर लेगा, 8 बजे कर लो बेटा। तो इस तरीके का है, और ये सही रहता है। तो ये देखिए, मैंने आधा नीचे से पैक करवाया है, आधा ऐसे ओपन रखा है, यहाँ पे लगाएंगे। और ये भैया आया छोटा सी लगाने, और बहुत ज़्यादा बोलता है। और यहाँ पे गेट लग गया है, तो और छोटे वाले बेटे का होमवर्क था, तो कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, तो इससे नहीं होता है, नहीं बन पाता है, तो थोड़ा इनको आइडिया देना पड़ता है कि इस तरीके से बना लिया करो, इजीली बन जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सिखाना पड़ता है बच्चों को, शुरू शुरू में नहीं हो पाता है इनसे, तो थोड़ा आइडियाज़ देना पड़ता है। मुझसे बातें करवा लो, और इनका जो प्रोजेक्ट है ना वो मैं कर रही हूँ पूरा, और ये बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनाई हूँ मैं, बड़े फिनिशिंग से सफाई से हो गया काम। इस छोटे वाले का है, वो तो आप बना लो खुद, नहीं आप बनाओगे, क्यों नहीं। चल बता कौन सा बनाना है, ग्लोबल पृथ्वी। और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो मैं होमवर्क वगैरह करवा के, या माता रानी की ड्रेस है ना पूरी फैली पड़ी है, तो मैं इनको समेट के अच्छे से रखूंगी,
बढ़िया से, और पुरानी जो है उनको मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं शाम की आरती के लिए बत्तियाँ बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मुझे खुद की बनाई हुई ज़्यादा पसंद आती है, मार्केट से जो लाते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती है मेरे को, वो ढंग से जलती नहीं है, तो यहाँ पे मैं ही खुद ही बना लेती हूँ। थोड़ी सी कॉटन मंगवा लेते हैं और घर पे ही बना लेती हूँ, तो इस तरीके से बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईजिली बन जाती है फटाफट से। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी बत्तियाँ बना लेती हूँ, और रोज़ की मैं ना 10-20 बत्ती बनाती हूँ, तो वो इकट्ठी होती रहती है। उसके बाद में यहाँ पे मिक्स दाल में भिगोई थी, राजमा और उड़द दाल, चना दाल सारी, तो वो बनाऊँगी। और यहाँ पे है ना गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा, तो दाल में भिगो दी, उसके बाद में है ना जो पालक साफ़ करूँगी, तो इधर पालक भी बारीक बारीक कट करूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी पहले मैं इसको, क्योंकि थोड़ी मिट्टी वगैरह और थोड़े जो पत्ते होते हैं ख़राब वो निकाल दूँगी। यहाँ पे बात भी हो रही है फ़ोन पे, और मैं पालक भी कट कर रही हूँ। और बच्चों को ना जो पालक बनाते हैं ना वो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दाल पालक बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, दाल भी खा लेते हैं और पालक भी। तो यहाँ पे दाल पालक बन के तैयार है, और मैं खाना भी लगाती थी बच्चों के लिए, चावल है, सैलेड है, तो सब कुछ खाना खा के और फ्री हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पे आइसक्रीम थी, मैंगो आइसक्रीम, आम की आइसक्रीम बनी हुई थी, तो बहुत टेस्टी थी, तो यहाँ पे बच्चे सब खा लिए और सारे काम से हम फ्री हो गए। और आज का वीडियो इतना ही है, आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।